लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उन्नीस सौ नवासी में जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद ने शोर पकड़ा, अनगिनत बेगुनाह मारे गए। तब लाखों कश्मीरियों ने इज्जत और जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़कर अपने देश के दूसरे प्रांतों में ठिकाने ढूंढे। लाखों लोग जम्मू और उसके आसपास के कैंपों में रहने लगे। कई कैंप तो सिर्फ तंबुओं के थे, जहां लोग भगवान से दिन रात प्रार्थना करते कि कब कश्मीर में अमन कायम हो और कब वो अपने घरों को लौटे। अरे आप लोग, अरे मेरे बचपन के दोस्त, मेरे भाई मोहम्मद अली, कैसे हो भाई? अरे आज तो रोशन लाल पंडित के बारे में आ रहे हो गए। अरे रोशनी बेटी। पापा, जब तक आप पूजा कर रहे थे, मैंने तो इन्हें गर्मा गर्म चाय भी पिला दी। शाबाश बेटी, शाबाश, जीती रहो। और कहो पंडित, कैसे हो? बस मेरे दोस्त मोहम्मद अली, जब मैं श्रीनगर में रहा करता था ना, तो मैं अपने मेहमानों को केसर का दूध पिलाया करता था। केसर के खेत थे मेरे, लेकिन आज इतना भी केसर नसीब नहीं कि भगवान के माथे पर तिलक लगा सको। पापा, कन्हैया, ये देखिए गुलनार दीदी से राखी भी बंधवाया। थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि इन बूढ़ी माँ को साथ लाना पड़ा। कौन है ये बड़ी बी? अरे ये मुझे श्रीनगर में मिल गया था। मैंने इसे कहा मुझे बम्बई से जम्मू आने वाली गाड़ी में किसी से मिलना है, तो ये मुझे मिलिट्री ट्रक में बिठा कर यहाँ ले आया। अरे हाँ पंडित रोशन लाल, गुलरोज को भी आज मुंबई से आना था, लेकिन खबर मिली है कि वो आज नहीं कल आ रहा है। पंडित जी। जी भाई साहब ने अपनी बेटी गुलनार का रिश्ता गुलरोज से तोड़कर बहुत अच्छा किया। हाय अल्लाह, पकड़ी गई, हमें उल्लू बना दिए। बेटी गुलनार, तू अपने माँ बाप के गोद में कम, तेरे चाचा और मामा रोशन लाल के गोद में ज्यादा खेली है। तो इसमें क्या झूठ है? इसलिए तो मैं श्रीनगर से अपने मामा जी के कैंप में अपने मामा जी से मिलने आई हूँ। जीती रहो बेटी। और अपनी रोशनी से मिलने। क्यों? बिल्कुल, गुलनार दीदी गुलरोज भाई से नहीं, हमसे मिलने आई है। रोशन लाल, याद है तुम्हें, हम दोनों बचपन से साथ शहनाई बजाते रहे, लेकिन कसम है उस पाक परवरदिगार की, जब तक जम्मू कश्मीर में रूठी हुई खुशियां वापस नहीं आ जाती, मैं शहनाई नहीं बजाऊंगा। जानते हो मोहम्मद अली, मैंने भी अपनी शहनाई बक्से में बंद कर रखी है। लो रोशनलाल, इस कमबख्त को भी बंद कर दो। जब तक कश्मीर में वलीशा जैसे राक्षस जिंदा है, यहाँ खुशियों का शादी होता रहेगा। अल्लाह करे कल मरता आज ही मरे वलीशा। खुदा हाफिज। अरे बास बास, खामोशी से जाओ। ये कौन सा खेल है भाईजान? रबा यानी शाह, हमारे पास हिंदुस्तानी फौजियों की वर्दियां है। हाँ है, बहुत है। तो बस अपने आदमियों को ले जाओ, हिंदुस्तानी फौजी बनाओ और इन सब लोगों को खत्म कर दो। हिंदुस्तानी फौज बदनाम होगी तभी तो पड़ोसी मुल्क हमें मालामाल करेगा, क्यों गुलखान? ठीक मलेशा, ठीक। भाईजान, लोगों को मारा हमने और बदनाम हुई हिंदुस्तानी फौज, और कल इसी वजह से सब पार्टियों ने श्रीनगर बंद करने का ऐलान किया है। कल तोड़फोड़ होगी, लूटमार होगी, और उस लूटमार में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा होगा भाईजान, हमारा। है ना ये खुशी की बात भाईजान? हाँ भाया, वो तो ठीक है, लेकिन आज मैं बहुत उदास हूं।
बहुत उदास हूँ। आप उदास हैं? क्यों भाईजान क्यों? जब से रोशन लाल अपनी बेटी रोशनी को यहाँ से ले गया है, इसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। न जाने उस कमबख्त मोमबत्ती को मुझे जलाने में क्या मिलता है अलीशा। मैं तुम्हारी बेटी रोशनी को अपने बड़े भाई वली शाह के लिए तोहफे के रूप में लेके जाऊंगा। तोहफे में तुम्हारे भाई को तुम्हारी लाश मिलेगी, तुम्हारी लाश। रोशन लाल, कमीनो, सरफरो, तुम्हारे जैसे मौत के सौदागरों की वजह से हम घर से बेघर होकर यहाँ कैंपों में रहते हैं। अरे कमबख्तो, यहाँ तो हमें चैन से रहने दो। बशीरा, जरा इनको नमूना तो दिखाओ। बंद करो मौत के सुदागरों, ये खून की होली बंद करो। जय श्री राम, जय श्री राम। कमीने, छोड़ दो मेरी बेटी को। कातलों के हाथ मेरी बेटी को नहीं छू सकते। रोशनी को तो हम लेके जाएंगे पंडित। रोशनी, गुलरोश। तुमको जाना होगा। गुलरोश, मेरी बेटी गुलरोश, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पंडित जी, रोशनी को तो हम लेकर जाएंगे ही। ये कौन कह रहा है? हाँ, आपके जिगरी दोस्त मोहम्मद अली का बेटा गुलरोश कह रहा है ये। मेरा भाई जो बचपन से मुझसे राखी बनवाता रहा, ईद पर ईद ही देता रहा मुझे। गए गुजरे रिश्तों को भूल जाओ, चलो हमारे साथ। तुम भी बदल गए भैया। बदलते हालात के साथ सबको बदलना पड़ता है। चल। और अगर मैं नहीं गई तो? नहीं गई तो गोलियां चलेंगी। हाँ। बारूद फटेगा, अनगिनत लाशें होंगी यहाँ। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। पापा, गुलरोश भाई ने तो कमाल ही कर दिया। आखिर खेले किसकी गोद में? मेरे पापा की गोद में। तुम जैसे मुट्ठी भर गद्दार आसमान से बड़े हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पंडित, ए बोल। थैंक यू कन्हैया। मेंशन नॉट भैया। रोशनी दीदी कहाँ जा रही है? कर्नल साहब के पास मिलिट्री को बुलाने। अच्छा, तुम लोग जीपे लेकर मुझे पुल वाले रास्ते पे मिलो, मैं रोशनी को देखता हूँ। जाओ। अच्छा। ये तो मिलिट्री की जीप है। तुम जो भी हो सामने आओ। अरे ये तो अपना बाबू है। हिंदुस्तानी फौजी हट जा अली शाह के रास्ते से। हिंदुस्तानी फौजी रास्ते से हटते नहीं, रास्ते से हटाते हैं। Thank you.
अगर इस लड़की की जिंदगी चाहता है तो सामने आ। तेरा फौजी तो चूहा निकला, चूहा घुस गया डर के मारे बिल के अंदर। इसको हिफाजत से बंद कर दो। देखता हूं मुझे कौन बंद करके रखता है इधर। फौजी तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। वेल डन विजय। थैंक यू सर। वेल डन गुलरोश। सर मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि इत्र की खुशबू में तर बतर रहने वाला आदमी इतना बड़ा जांबाज भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया किस बात का कर्नल साहब, मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ कर किया। कर्नल साहब मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं इन दोनों नौजवानों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। पंडित जी किसी बात की चिंता नहीं, जब तक इस देश में गुलरोज जैसे सरफरोश हैं हम जमीन तो जमीन आसमान पे भी जय हिंद लिख देंगे। देखो वली शाह अपने भाई अली शाह को बचा लो। कैसे भाया? अपने हथियार डालकर। नहीं गुलरोश नहीं, हमारे हाथों में हथियार तब तक रहेगा जब तक कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं हो जाता। अच्छा एक बात बताओ वलीशा। क्या? 5000 साल पहले कश्मीर कहां था? हिंदुस्तान में। करेक्ट। कश्मीर में जब 1000 साल बुद्ध मत था तब कश्मीर कहां था? तब भी हिंदुस्तान में ही था। करेक्ट। जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, मेरा मतलब अकबर जहांगीर के राज में, कश्मीर कहां था? हिंदुस्तान में। 5000 साल पहले जब कश्मीर हिंदुस्तान में था तो 5000 साल बाद भी कश्मीर हिंदुस्तान में रहेगा। अल्लाह अकबर गुलरोश, तू हमारे जज्बों को नहीं समझेगा। देखो वली शाह अगर हम अपने मुल्क पर अपना हक समझते हैं तो हमारे मुल्क का भी हम पे हक है, फर्ज है, और फर्ज अदा करने में अगर मुसलमान सबसे आगे नहीं तो किसी से पीछे भी नहीं। गुलरोश मुझे तो लगता है तू हिंदुस्तानी फौज का पिट्ठू है, पिट्ठू। अव्वल तो मैं हूं नहीं, और अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो मैं पिट्ठू हूं अपनी फौज का, तुम्हारी तरह दूसरे मुल्क की फौज का जर खरीद गुलाम नहीं। देखो वली शाह मैं उन लोगों में से नहीं जो खाएं इस देश का और गाएं उस देश का। वली शाह गुलरोज ने तेरी क्या छुट्टी कर दी है? तमाशा। मकान की छत को देखकर कद बढ़ाया करो मियां। खुदा हाफिज। मजा आ गया। भगवान
सखीरी ओ सखीरी, ये तो गई काम से। मेरे नहीं
तो जनाब की उदासी के पीछे ये परी चेहरा है? गुलरोश, ये ठीक ठाक तो है ना? इनकी शादी हुई नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे इनका पता बताओ, बिना बारात के इनकी डोली ले आऊं? ये मुमकिन नहीं। अजी, हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करना गुलरोश के बाएं हाथ का खेल है। अगर ये मुमकिन होता तो ना ही मैं मजबूर होता और ना ही शीतल। शीतल? तो मोहतरमा का नाम शीतल है? आप दोनों के बीच में विलेन कौन है? हमारे खानदान का भूतकाल, हमारा माजी। उफ, वही घिसी पिटी बातें। देखो यार, पहलियों में मत बात करो, साफ साफ बताओ प्रॉब्लम क्या है। जिसे मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूं उसकी और याद मत दिलाओ। विजय, मैंने तुम्हें अपना भाई माना है और भाई होने की हैसियत से तुम्हें मेरी कसम, बताओ आखिर बात क्या है? ये तब की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। छुट्टियों में कॉलेज के दोस्तों के साथ शिमला जाते हुए मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ एक शॉपिंग आर्केड में मुलाकात हुई, जिसमें शीतल भी शामिल थी। आहा, क्या खुशबू है! 2000 की साड़ी और 10,000 की खुशबू। अबे निकल निकल निकल, ये तो पुतला नहीं सचमुच की लड़की है। ए मिस्टर, क्या है? जिंदगी कदमों में है, ठुकराइए, और क्या खिदमत करूं, फरमाइए। जरा ऊपर तो आइए। फरमाइए। अब मुंह इधर घुमाइए। फरमाइए। अब थप्पड़ खाइए। वो देखो, मेरा नाम बिंदिया है और मेरा सिंधिया। यानी कि आपका संबंध ग्वालियर महाराजा के सिंधिया घराने से है? नहीं, और कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। वैसे हम सिंध के हैं, बंटवारे में यहाँ आए, मैं यहीं पैदा हुआ। लेकिन मेरे पिताजी ने प्यारे सिंध की याद में मेरा नाम सिंधिया रख दिया। दिस इज माई मैथमेटिक्स, लव एट फर्स्ट साइट। बिंदिया जी, दो से दो नैन मिलते हैं तो चार होते हैं, दो दिल मिलकर एक क्यों होता है? What is this mathematics? वो ऐसा है कि बिंदिया जी, आप मिसेस है या? मिसेस नहीं, मिस। ओह, देन गिव मी वन किस। hey, किस। कौन है भाई विलन? यू वेट हरके, हमारी मैडम पे लाइन मारता है। सर। This is correct mathematics. After all, he's my student. Stop it! छोड़ो मुझे! I say stop it! ऐसे सर फिरे लड़कों के मुंह नहीं लगना चाहिए। मुंह नहीं लगना तो गले लग जाइए। Shut up! चलिए मैडम, ट्रेन का वक्त हो गया है। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। विक्रम नाम है मेरा, मंत्री सज्जन लाल का बेटा हूं मैं, समझे? आजकल के मंत्रियों की जंत्री जनता जान चुकी है, चल फुट। चलो विक्रम, प्लीज। छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूं। अब मिलन कब होगा? फ्रंटियर मेल तो चली गई। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि पूरे होटल की बुकिंग इंजीनियरिंग कॉलेज वालों ने करवा ली है, आप जाइए। मैं डैडी को फोन करके तुम्हारे होटल का लाइसेंस कैंसिल करवा था। अरे नहीं नहीं, गुड मेहंदी लालटेन, ऐसी शराफत मत दिखाना, मैं सबकी बुकिंग कैंसिल करके आपकी बुकिंग करता हूँ। अरे सुनो, किसकी बुकिंग कैंसिल करने की बात कर रहे हो? बुकिंग तो हम लोग इंजीनियर। सिंधिया जी, सिंधिया जी, हमारे कमरे कहाँ हैं? कमरा? कौन सा कमरा, कैसा कमरा? अरे हमारा होटल हाउसफुल है, कमरा क्या, कोई बाथरूम भी खाली नहीं। वैसे भी जिस होटल में बाथरूम के कॉकरोच रहते हो, हमें उस होटल में नहीं रहना। What do you mean? I mean that you're very mean. Shut up. विजय नाम है मेरा। जीतना काम है मेरा। My foot. वैसे भी विकी के होते हुए शिमला के किसी होटल में तुम्हें कमरा तो मिलने वाला है नहीं। और हाँ,
हाँ क्या? अगर पूरे शिमला में तुम लोगों को रहने की जगह मिलेगी तो वो होगी पुलिस स्टेशन। अरे सुनो बच्चो, इस झगड़े झुगड़े में क्या रखा है? क्यों ना दोस्ती यारी में कमरे के साथ साथ हम डिनर शेयर करें? Shut up, you turkey! एक बार होटल का बंदोबस्त हो जाए फिर देख लूंगा। चलिए सर। आता हूँ बिंदिया जी। सिंधिया जी, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके बाय बाय। हेलो होटल स्नोक्रेस्ट, मैनेजर स्पीकिंग। मैनेजर स्लीपिंग? नहीं नहीं नहीं, स्पीकिंग। हम सीआईडी के दफ्तर से बोल रहे हैं। सीआईडी दफ्तर? गुड मैनी लाल ठहर ने। यस बोलिए। हमें खुफिया खबर मिली है कि सब होटलों में बम रखे गए हैं। बम? जी बम, और सब एक साथ फटने वाले हैं। जल्दी से होटल खाली करवा लो, और बचने की सिर्फ एक ही जगह है। कौन सी? वो है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? समझ गए? समझ गया। गुड मैनी लाल ठहर। अरे पीटर, अब भांत भांत की चीखें सुनाई देंगी। जल्दी चलो। बड़े दुख की बात है, जिस देश में झांसी की रानी तोपों से नहीं डरी, उस देश की लड़कियां बम के डर से पुलिस स्टेशन चली आ रही हैं। उधर टेलीफोन। हेलो, मैं इंटरनेशनल टेररिस्ट बोल रहा हूँ, बम ब्लास्ट स्पेशलिस्ट। तुम्हारे पुलिस स्टेशन के बाथरूम में बम रखा गया है जो अब फटा और अब फटा। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? फटने वाला है। क्या? बम। बम तो ऑलरेडी फट चुका है बिंदिया जी। कहा? एक हिरोशिमा में फटा था, अब मेरे दिल में फटा है। आपको मजाक सूझ रहा है, सचमुच पुलिस स्टेशन में बम फटने वाला है, भागो। वो तो आदले का बदला था। मतलब? मतलब आपको होटल से निकालने के लिए और पुलिस स्टेशन में रात बिताने के लिए। हाँ? है, वो हमारे हीरो विजय का कमाल था, वो देखो। तुम? जी। तो रात पुलिस स्टेशन में किसने गुजारी? तो ये सब तुम्हारी चाल थी। दुश्मनी का मजा तो आपने चख ही लिया है, एक बार यारों की यारी का मजा भी चख लो, जिंदगी भर मुंह स्वादी रहेगा। स्वाद? स्वाद तो मैं तुम्हें चखाऊंगा। ये मत भूलो कि मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ। हाँ। चले। मैं इस हाल में बाजार से कैसे गुजर सकती हूँ? हाँ। मैं यहीं रुकती हूँ, प्लीज मेरे कपड़े लेकर आ जाओ। ओके अभी हाँ, उसको मैं बाद में देख लूंगा, फिक्र मत करो। हाँ सिंधिया जी। जी। तो फिर मुलाकात कब होगी? रात के 12 बजे लवर्स पॉइंट पे। हम सब चलेंगे और तुम हमारे साथ चलोगी। मैं? हाँ, लवर्स पॉइंट पे मैडम और सर का ड्रामा देखने, शायद लवर्स पॉइंट पे लव हो जाए। ए मिस्टर, विजय नाम है मेरा, जीतना काम है मेरा। मुझसे क्या जीतना चाहते हैं आप? मैं आपसे आपका दिल जीतूंगा। मैडम, मेरे दिल ने आपके दिल का एक्सरे कर लिया है और आपका दिल बिल्कुल खाली मकान है जो सिर्फ मेरे लिए बना है। My foot. हम कांटा फेंके और मछली ना फंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब? हमें दाल गलानी आती है। मिस्टर, अव्वल तो मैं दाल हूं नहीं, अगर हूं भी तो वो दाल नहीं जो दूसरे की हांडी में गल जाए। 12 बजे लवर्स पॉइंट। लवर्स पॉइंट पर मैं कभी नहीं आऊंगी। मेरे दिल की घड़ी हर टिक 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 दो बजे, रात के बारा हाय तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी हर टिक 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 दो बजे, रात के बारा हाय तेरी याद ने मारा। हाय बिंदिया जी। कहिए सिंधिया जी। आप तो ऐसी तैयार होकर आ रही है जैसे अमेरिका जा रही है। मुझे अमेरिका के साथ साथ अफ्रीका भी बहुत पसंद है। मतलब इस मुखड़े से प्यार हो गया है। गुरुजी चले। आप तो आप, वो भी पकड़ी गई।
अरे कहाँ पकड़ में आई? कौन पकड़ी गई? बताऊं? बताओ। लो मचा गली में शोर, लो मचा गली में शोर, पड़ोसन पकड़ी गई। लो मचा गली में शोर, पड़ोसन पकड़ी गई। पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, ये खबर है चारों ओर, पड़ोसन पकड़ी गई। कली बिरहा में जली मिलने को चली, जब शाम ढली नाजुक सी कली बिरहा में जली मिलने को चली, छुपके 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 वो पहुंच गई साजन की गली। वो आगे बढ़ी, वो आगे बढ़ी, वो आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा, वो और बढ़ी, वो और बढ़ी, वो और बढ़ा, वो और बढ़ा, छनक गया गोरी का चूड़ा, बढ़ गई खुल गया जुड़ा, अभी बंधी न प्रेम की डोर, पड़ोसन पकड़ी गई। लो मचा गली में शोर, पड़ोसन पकड़ी गई। मैं इस
अपील या तो दलील करो वकील, तुम लाख निकालो तो लगा लो जोर, लगा लो जोर, हम फिर भी करेंगे शोर, पड़ोसन पकड़ी गई, हम फिर भी करेंगे शोर, पड़ोसन पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, ये खबर है चारों ओर, पड़ोसन पकड़ी गई, गली में शोर पड़ोसन पकड़ी गई, पड़ोसन पकड़ी गई, पड़ोसन पकड़ी गई, पड़ोसन पकड़ी गई। शीतल जी, होटल के बैर ने मुझे आपका खत दिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। यूं तो धड़कने को दिल रोज धड़कता है, लेकिन जैसे कल से धड़क रहा है उससे पता लगा कि मोहब्बत की धड़कन क्या होती है। आपने चौधरी के चांद से चेहरे को छुपा क्यों रखा है? जरा चेहरा तो घुमाइए। तुम? हाँ, मैं। तुम्हें चिट्ठी मैंने शीतल के कहने पर भेजी थी। अबे बिना हैंडल के बैठ, झूठ क्यों बोलता है? झूठ नहीं, सच बोलता हूं मैं। और सच यह है कि मेरी शीतल ने मुझसे यह भी कहा कि रात के गाने के छेड़छाड़ में जिस विजय ने मेरे बदन को छुआ उसकी हड्डियां चूर चूर कर दो। शीतल ऐसा नहीं कह सकती। शीतल ने ऐसा ही कहा है। लड़कियों के नाम का सहारा लेने वाला नामर्द होता है। नामर्द? मारो इसे। तोड़ दो इसकी हड्डियां। इन्हीं हाथों से तूने मेरी शीतल को छुआ? देख, यही है वो हाथ जिन्होंने शीतल को छुआ था। हराम खोरो, मैंने तुम्हें पैसे मार खाने के लिए नहीं, मारने के लिए दिए हैं। Kill him! Hey, Ram! रुक जाओ, रुक जाओ! ये मारामारी बंद करो, प्लीज। ये मारामारी तब बंद होगी जब तुम्हारा ये खरीदा हुआ कातिल मरेगा। मेरा खरीदा हुआ? ये झूठ है। झूठ है तो मैडम शीतल पूछो इससे। तुमने मुझे मारने के लिए इसे भेजा था? ये झूठ है विजय, इस होटल के बॉय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तूने ऐसे कहा? ये सब मैंने सब कुछ बता दिया। तुमने इसे 500 रुपए दिए और उन कातिलों को 5000, क्योंकि मैं विजय से प्यार करने लगी हूँ। शीतल बकवास मत करो, मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ। मिनिस्टर? जालिम मिनिस्टर के जालिम बेटे? शीतल सुनो तो। You do it again and I'll kill you. I'll kill you. I'll kill you. I'll kill you. मैंने कहा था ना, आप जहां जहां जाओगे हमें वहां वहां पाओगे। लिपट जाते हैं वो बिजली के डर से, या इलाही ये घटा दो रोज तो बरसे। मैंने कहा था ना, हम जिंदगी में पहली बार कांटा फेंके और मछली ना फंसे, ऐसा नहीं हो सकता जी। हमें दाल गलानी आती है। मिस्टर, अव्वल तो मैं दाल हूं नहीं, अगर हूं भी तो वो दाल नहीं जो दूसरे की हांडी में गल जाए। वाह, क्या बात है। वैसे आज जो कुछ भी हो उसके लिए माफी मांगती हूँ। मैडम, माफी भी कोई मांगने की चीज है? अरे अगर कुछ मांगना ही है तो अपने इस मांग के लिए मांगिए। अगर सिंदूर नहीं तो इसे विजय अपने खून से भर देगा। बहुत गुस्ताख हैं आप।
सुनिए जी, आपने मुझे गुस्ताख कहा? जी हाँ, बहुत गुस्ताख है आप। गुस्ताख कह के मुझको आप गुस्ताखी कर गए। थोड़ी हमसे हुई, थोड़ी आप कर गए। मतलब पड़ोसन पकड़ी गई? पड़ोसन तो पड़ोसन, पड़ोसी भी पकड़ा गया। अजी सुनिए, फिर मुलाकात कब होगी? देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा, अभी तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तुमने भी हुई जुल्फों से जो झटका पानी झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी 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 ओ पानी ओ 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 पानी 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 खत्म हो कहानी।
जाने दे, मन भीग जाने दे, हुन दे जरा सी मन मान। पानी ओ पानी ओ पानी 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 ओ पानी ओ पानी पानी पानी। ड्राइवर जी, मेरा सामान ऊपर कमरे में भेज दो। ओके सर। दादाजी, पिताजी, माँ, आप सबको विजय का प्रणाम। अरे, तीनों को प्रणाम किया, ना किसी ने कलेजे से लगाया और ना ही आशीर्वाद दिया। दादाजी, पूछ पूछ। पिताजी, पूछ पूछ। माँ, पूछ पूछ। अरे, आप तीनों ने ये पूछ पूछ की क्या रट लगा रखी है? अरे, ये पूछ पूछ तेरी ही सुलगाई हुई फुलझड़ी है जिसने हम तीनों को चक्कर में डाल रखा है। वो पूछ पूछ। हाँ, पूछ पूछ। अरे पोते, देख, अगर तू दादाजी का सच्चा दोस्त है तो मुझे बता दे कि ये पूछ पूछ है क्या। बता दूं? तो ये है पूछ पूछ। अरे बड़े पूछ पूछ यार, बड़े पूछ पूछ। देखिए पिताजी, मैं भी आपका इकलौता बेटा हूँ। अगर दादा पोते की पक्की दोस्ती है तो बाप बेटे की भी पक्की दोस्ती है, इसलिए मुझे बताइए इसने पूछ पूछ का मतलब क्या बताया। इधर कान ला। वंडरफुल पूछ पूछ, वंडरफुल पूछ पूछ। देखिए जी, मैं आपके इकलौते बेटे की माँ हूँ, आपको उसकी कसम, मुझे बताइए ना कि पूछ पूछ का मतलब क्या है। बहू, तू ना ही पूछ तो अच्छा है। नहीं, बताइए ना। अच्छा, कान लाओ। पूछ पूछ का मतलब है पप्पी। माँ, तुम कितनी भोली हो। दादाजी सुनिए, अगर ये सारी दुनिया पूछ पूछ का खेल खेले तो ना ही कहीं जंग होगी और ना ही एटम बम फटेगा, बस हर तरफ पूछ पूछ होता रहेगा। अरे पूछ पूछ के चैंपियन, पहले ये तो बता, हमारी होने वाली बहू का नाम क्या है? शीतल। शीतल? और जात? दादाजी, वहां पूछ पूछ से फुर्सत ही कहां मिली जो जात पात पता करता। सही जा रहे हो पोते, ये जात पात से करना ही क्या है, ये जात पात के झगड़े तो हमारे देश को गली कूचों में बांट रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट दादाजी। पर बेटी इतना तड़पा क्यों रहा है, और बताना शीतल के बारे में। उसकी माँ है, उसके दादा है, जिन्होंने पंडित से पूछकर कल शाम 4 बजे मंगनी का मुहूर्त भी निकाल लिया है। अरे वाह, एकदम फौजी एक्शन। हाँ दादाजी, उसके दादा भी रिटायर्ड फौजी हैं। विजय बेटा जी, वो तुम्हारे घर वाले नहीं आए जी? नमस्ते करना साहब, मैं हूँ विजय का पिता करण। नाइस मीटिंग यू। और ये मेरी धर्म पत्नी उर्मिला, विजय की माँ। नमस्ते। ये शीतल मेरी पोती। नमस्ते। ये शीतल की माँ। नमस्ते। दादाजी, इनसे तो आप मिल लिए, अब बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, खबरदार आ रहे हैं विजय के दादा महाबली कर्नल मोहनदास। रिटायर्ड कर्नल मोहनदास। खामोशी अच्छी नहीं होती ज्ञानचंद,
गुस्सा थूक दे और आ मेरे गले लग जा। गद्दार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे दादा हैं, दादा द ग्रेट। दादा द ग्रेट नहीं, दादा द ग्रेटेस्ट। अरे ये तो जयचंद से भी बड़ा गद्दार है। किसने भारत मां की कोख में छुरा घोंपा? ये सब झूठ है, बकवास है। शट अप। मोहनदास, भूल गया सन 71 की जंग का वो दिन जिस दिन हम दोनों फ्रंट पर इकट्ठे थे? कर्नल मोहनदास, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन की फौज पहाड़ी के दाईं तरफ से मूव कर रही है। कर्नल ज्ञानचंद, तुमने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लिया है ना? हाँ, वेरीफाई भी कर लिया है और काउंटर प्लान भी बना लिया है। ओ, क्या है तुम्हारा काउंटर प्लान? जब दुश्मन की फौज दाहिनी तरफ से मूव करेगी, उस वक्त हमारे सिपाही दोनों तरफ से उनके ऊपर अटैक कर देंगे। वेरी गुड प्लान। एक टुकड़ी की कमान मैं खुद संभालूंगा और दूसरी की मेजर धर्मराज तुम। यस सर। ज्ञानचंद, एक बात कहूं, धर्मराज तुम्हारा इकलौता बेटा है, अभी अभी उसके यहां लड़की पैदा हुई है, उसकी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? सर, ड्यूटी बिफोर सेल्फ। आई एम प्राउड ऑफ यू मेजर। कम ऑन, लेट्स गो। गो अहेड। ओके कर्नल, गुड लक। थैंक यू। Panther to Wolf, Panther to Wolf, you read me? Altaf, Altaf, जरा ध्यान से सुनो। हिंदुस्तानी फौजों को तुम्हारी प्लान का पता चल चुका है। अब दाई तरफ की बजाय पहाड़ी के दोनों तरफ से हिंदुस्तानी फौजों पर अटैक करना। हाँ, धर्म बेटे, तू ठीक तो है ना? डैडी बेटे, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारी कंपनी में कोई गद्दार है जो हमारे राज दुश्मन को बेच रहा है। जय हिंद। जय हिंद। जय। कर्नल, अब तुम हमारे कैदी हो, चलो। कर्नल मोहनदास, गिन लो अपने पैसे। अल्ताफ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुमने गिन लिए है ना? मेरी सेटिस्फेक्शन है। ऐसी खबर देते रहो, हिंदुस्तानी फौज के राज बताते रहो, माला माल हो जाओगे। मैं अपना काम करता रहूंगा, तुम अपना काम करते रहो। गुड लक, खुदा हाफिज। मोहनदास, तुम गद्दार हो, गद्दार हो, गद्दार हो, गद्दार हो। याद आया मोहनदास? कुछ याद आया? गद्दार बोलता क्यों नहीं? पिताजी, क्या ये सच है? मैंने कहा ना बेटा कि ये सरासर झूठ है। मेरी कामयाबी से जलता है ये। इस रिश्ते को तोड़ने की ये साजिश है इसकी। मेरे दादाजी ऐसे नहीं हो सकते, ये सब झूठ है। झूठ माई फुट। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो 1972 का आर्मी का रिकॉर्ड देख लो, जहां गद्दारी के जुर्म में इसका कोर्ट मार्शल हुआ था। इसे जलील करके आर्मी से निकाल दिया गया था। इसे सदा भी भुगतनी पड़ी। दादाजी, चल आप चले जाओ, तुम सबके सब यहां से, पूरा खानदान। दादाजी, दादाजी, जो कुछ भी हो उसमें विजय का क्या कसूर है? बेटी, विजय के दादा रघुकुल के दशरथ नहीं है जिनके यहां राम जैसी संतान जन्म ले? ये तो बबूल का पेड़ है, बबूल का पेड़, जहां सिर्फ कांटे ही लग सकते हैं, गुलाब के फूल नहीं। गद्दारों के यहां गद्दार ही पैदा होते हैं। माँ, माँ, आप दादाजी को समझाओ ना, प्लीज समझाओ ना। चीतल बेटी, तेरी मां मुझे क्या समझाएगी?
जिसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं हुई थी कि ये विधवा हो गई, और उसका जिम्मेदार ये विजय का दादा है। विजय का दादा सुहाग का लाल जोड़ा उतरवाकर मुझे विधवा के ये कपड़े पहनाने वाला यही है। बेटी, अपनी माँ की सुनी मांग देख रही हो? मेरी मांग का सिंदूर बिठाने वाले तेरी मांग में सिंदूर भरने आए हैं? ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये हरगिज नहीं हो सकता। बेकार है, बेकार। शीतल, तुम्हें विजय और दादा में से किसी एक को चुनना होगा। दादाजी। शीतल, अगर दादा की लाश पर से गुजरकर तुम्हें अपने प्यार तक पहुंचना है तो पहनाओ अंगूठी, तुम्हारी डोली बाद में उठेगी, मेरी अर्थी पहले। शीतल, तूने सुना नहीं? फेंक दे अंगूठी, फेंक दे। विजय बेटे, विजय बेटे, हम सब आपके लिए मर चुके हैं। मेरी बात तो सुनो बेटे, मैंने जो कुछ भी किया है तुम लोगों के लिए किया है। क्या किया है आपने हमारे लिए? सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है, ताकि तुम लोग दौलतमंद कहला सको, बड़ी से बड़ी हस्तियों के साथ मुकाबला करो, कीमती से कीमती कारों में घूमो, आलीशान से आलीशान बंगलों में रहो। आलीशान बंगला? ये आलीशान बंगला नहीं, ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान, जिसकी एक एक दीवार गद्दारी के रुपयों से बनी हुई है। इस आलीशान बंगले की बुनियाद के नीचे अनगिनत फौजियों की लाशें हैं, फौजियों की लाशें। ये पर्दे लाल नहीं, आपके हाथों मरवाए गए फौजियों के खून से लथपथ भर दिया है। विजय, विजय बेटे, तेरे डैडी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, खोल नहीं रहे। तूने क्या किया? बेटे विजय, तुम तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं, बहता हुआ दरिया हो। आगे बढ़ो और अपने खानदान पर लगे हुए गद्दारी के कलंक को मिटा दो। आशा है इस अभागे बाप की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करोगे। हाँ पिताजी, आपकी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा। मैं और बस गुलरोश, उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया और फौज में भर्ती हो गया। हो मेरे मौला विजय, तुमने अपनी जिंदगी की किताब के जितने पन्ने सुनाए, उनमें किसी में मिलन की बहार, किसी में जुदाई की परछाई, कुछ पन्ने आंसुओं से गीले, कुछ पे खून की छींटे। लेकिन मायूस मत हो, तुम्हारी जिंदगी की किताब के बहुत से पन्ने अभी भी कोरे हैं। उन कोरे पन्नों का क्या होगा गुलरोश भाई? ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो बेनियाज है। तुम्हारी जिंदगी के बाकी पन्नों पर वो जो कुछ भी लिखेगा अच्छा लिखेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे फसाने को दास्तान बनना है। दास्तान? हाँ, सुबह होने को है, थोड़ा आराम कर लो, फिर मेरे साथ श्रीनगर चलो। मैं श्रीनगर जाके क्या करूंगा? ये मायूसी छोड़ो विजय, दो दिन में तरोताजा हो जाओगे। और जरा ऐसा भी तो सोचो कि जिसकी याद तुम्हारी नस नस में रची हुई है, उसने भी तुम्हारी तस्वीर दिल से लगा रखी होगी। मेरी तस्वीर? जिस कैंप में चाचा रोशनलाल रहते हैं, मैंने उस कैंप में वही काम किया जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। बहुत अच्छा किया बेटे, माँ तेरे सदके। लेकिन भाईजान, अगर विजय भैया ने अलीशा को पकड़ ही लिया था तो उसे जान से क्यों नहीं मारा? इंसानियत का तकाजा है बहन, भटके हुए को मारने से पहले एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए। वाह भाई, हो तो ऐसा। अब मैं कल स्कूल जाकर अपने सारे बच्चों को यही सबक दूंगी। क्यों अबू? स्कूल? हाँ बेटा, श्रीनगर में तो आए दिन कर्फ्यू हड़ताल रहती है, तो स्कूल बंद रहते हैं, इसीलिए मोहल्ले के बच्चों को नूर बेटी रोज सुबह पढ़ाती है। अरे वाह, बहन हो तो ऐसी और भाई हो तो विजय भैया जैसा।
अब्बू, अगर विजय भैया जैसे फौजी हो ना, तो सारी दुनिया की फौज एक तरफ हो जाए, फिर भी हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना भरोसा? बहन को अगर भाई पर भरोसा नहीं होगा तो फिर किस पर होगा, और वो भी फौजी भाई पर। जानते हैं विजय भैया? क्या? राखी वाले दिन सारे फौजी भाई मुझसे राखी बंधवाने आते हैं, जैसे जैसे सारे हिंदुस्तानी फौज की इकलौती बहन है नूर। वाह, बहन हो तो ऐसी। अब बहन बहन बहुत हो गया, अब क्या इस बहन के लिए कुछ भाभी का भी इंतजाम किया है? भाभी? अरे बात तो बात मत भूल ही गया, मुझे कहीं जाना है, अम्मी ये पकड़ो, अरे मुझे जाना है। ये मैं तुम्हारे लिए खास मुंबई से लाया हूँ, ये कमाल की जोड़ी बिल्कुल हमारी तरह। हमारी ये शादी के बाद प्यारे प्यारे बच्चे। तुम लेट क्यों आए? अरे कहा ना किसी से मिलना था, दर्जी के पास जाना था, और फिर तुम्हारे लिए कुछ खरीदना भी तो था। मैं तुमसे नाराज हूँ। अरे ये देखोगी तो नाराजगी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। देखो ये, हाँ। ये मच्छरदानी। मच्छरदानी? अरे नाइटी को मच्छरदानी कहती हो तुम? नाइटी? हाँ? शादी के बाद रात को कुछ पहनोगी कि नहीं? भाड़ में जाए तुम्हारी नाइटी। मेरा क्या, कुछ भी मत पहनो। कितने बेशरम हो गए हो तुम। मैं तो चली बाबा। गुलनार, सब्र कर गुल खान, सब्र। वली शाह कैसे? मेरे दोस्त, मेरे साथी, गुलरोश तेरा दुश्मन क्योंकि वो तेरी गुलनार को तुझसे छीन रहा है, और वो फौजी विजय मेरा दुश्मन क्योंकि मेरी जिंदगी की मोमबत्ती रोशनी उस पर अपना दिल लुटा चुकी है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वली शाह। करेंगे गुल खान, करेंगे। विजय और गुलरोश की आपस में फूट। फूट? वो कैसे? ये मत पूछ गुल खान, वली शाह दिमाग ही दिमाग में शतरंज खेलता रहता है। हिंदुस्तानी फौज की वर्दी पहनकर कारनामा किए हुए, यानी हिंदुस्तानी फौज को बदनाम किए हुए एक अरसा गुजर गया। अलीफ से, अलीफ से, अलीफ से, खामोश। अलीफ से अल्लाह नहीं, अलीफ से ईश्वर होता है, ईश्वर। अलीफ से अल्लाह भी होता है। तो मुसलमान अल्लाह अल्लाह से बाज नहीं आएगा। मेरे फौजी भाई, जिसकी रगों में कुरान पाक की आयतें बसी हुई हो, वो मुसलमान मुसलमान ही रहता है। तो सुन लो ए मुसलमानों, आज के बाद जम्मू और कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं रहेगा। फौजी भाई अभी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी का भाई नहीं। अल्लाह। साथियों देखते क्या हो, भून डालो इन सबको। मैं ठीक कह रहा हूँ गुलरोश, हिंदुस्तानी फौजियों ने तुम्हारी बहन को घेर रखा है। झूठ है ये, सच है ये। अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो। चलो। अल्लाह बहुत अल्लाह अल्लाह करती है। हम तुझे गोली से नहीं, नोकीले भाले से मारेंगे। इस नोकीले भाले से। पाजी मुझसे अभी से भी बुरा है। देखो वो भाग रहे, रुक जाओ हिंदुस्तानी फौजियों, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तानी फौजियों ने किया है। देखो ये झंडे सबूत है इस बात का। नहीं हो सकता ऐसा हुआ है। नूर क्या हुआ? हाँ भैया, वो हिंदुस्तानी फौजी कह रहा था जम्मू कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं बचेगा। हौसला गुलरोश, इसमें जरूर किसी की कोई साजिश है। कोई साजिश वाजिश नहीं, ये हकीकत है। तुम लोग कातिल हो, वाकई कातिल हो। नहीं गुलरोश, रुको मत। लोग कहते रहे मुझसे कि हिंदुस्तानी फौज हमारी दुश्मन है, कातिल है। मैं झूठी समझता था, लेकिन आज असलियत सामने आ गई ना। ये देख, ये लाशें, ये और मेरी बहन नूर, नूर कितने मान से कहती थी
कि लगता है सारी हिंदुस्तानी फौज की मैं इकलौती बहन हूं। और आज आज उसी फौज ने अपनी इकलौती बहन को मार डाला। कुलरोज बोल। अरे बोल फौजी बोल, तू क्या बोलेगा? बोलने का और करने का वक्त अब मेरा है। मेरी बहन की मौत के साथ साथ इन बेगुनाह बच्चों की मौत का बदला मैं लूंगा। मैं अलीशा, ये है वो दो हिंदुस्तानी फौजी, ये है। क्या कहता है ये कातिल, क्या कहता है बोल। विजय साहब ने कर्नल साहब के हुक्म के मुताबिक हम फौजियों को बहुत सारा रुपया दिया और कहा कि गुलरोश की बहन नूर के साथ साथ स्कूल के मासूम बच्चों को भी खत्म कर दिया जाए, और हमारे फौजी साथियों ने सबको मार डाला। सुन लिया गुलरोश, सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया और समझ भी लिया मैंने। क्या ये हाथ जो दुआ के लिए उठते थे अब इंतकाम लेंगे। शाबाश गुलरोश, शाबाश, इंतकाम लेंगे, इंतकाम लेंगे। ट्रेनिंग के बाद का पहला काम विजय की मौत, उस कर्नल को हमारे कदमों में लाके डालना। ये कर्नल हमारी कैद में होगा तभी हमारा भाई अली शाह आजाद हो सकेगा, इंशाल्लाह। अच्छा हो जाऊंगा, आओ। शीतल, विजय। अरे मैडम, आप सब यहाँ? हाँ, यहाँ से लेकर श्रीनगर के आसपास बहुत बाढ़ आई हुई है। हम डॉक्टरों की टीम लेकर आए हैं ताकि बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद कर सके और कोई बीमारी ना फैले। अच्छा मैडम, लेकिन आप लोग ठहरे कहाँ हैं? ये हमारे टेंट्स में। शीतल, मैं फिर कहती हूँ, वापस जाने का फैसला बदल दो। मुझे जाने दीजिए मैडम। जाओगी दिल यहाँ छोड़कर अपने हड्डियों के ढांचे को लेकर कहाँ जाओगी? आप तो मेरी मजबूरियां जानती हैं। मजबूरियों से भागना मजबूरियों का हल तो नहीं है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, जियो तो कैसे जियो, मरू तो कैसे मरू? पगली, अरे पगली, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें जिंदगी में सच्चा प्यार मिले, और तुझे जो प्यार करता है वो वहां है। क्यों शीतल, देख लिया ना विजय को? खामोश, अकेला, बिल्कुल तन्हा। शीतल, जब कोई नहीं होता तो तन्हाइयां होती हैं, जब कोई नहीं बोलता तो तन्हाइयां बोलती हैं, और जब तन्हाइयां बोलती हैं तब परछाइयां भी कहां कहां फूटती हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने दिल से पूछो,
अपनी आत्मा से पूछो शीतल। बदन गीला हो गया, ऐसा लगता है जैसे बरखा बरसी हो। बरखा बरसी नहीं, तन ये गीला हुआ। बरखा बरसी नहीं, तन ये गीला हुआ। कैसे मेहंदी बिना हाथ पीला हुआ। कैसे मेहंदी बिना हाथ पीला हुआ। किस तरह कितना नीला हुआ। आज की रात, आज की रात, आज की रात मुझ में समो जाइए, समो जाइए। क्या पता कल नदी हो किनारा न हो, और किनारा भी हो तो भरोसा नहीं। मन हमारा भी हो, मन तुम्हारा भी हो, मन हमारा भी हो, मन तुम्हारा भी हो। आज की रात, 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 आज की रात। गुलरोश मियां, इत्र की खुशबू से ही पता चल चुका था कि तुम यहां हो। अरे आज पहली बार तुम्हारे हाथों में बंदूक देख रहा हूं, ये किस लिए? कहां जा रही है मैडम? शीतल,
सारा श्रीनगर बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। हम लोग वहाँ हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं। मैं जल्दी तैयार होकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक काम छोड़े जा रही हूँ। आसपास के गांव के अलावा किसी और को भी तुम्हारी जरूरत है। अब मैं चलूं। गुड लक। सेम टू यू। बाय बाय। कम ऑन सिस्टर्स। मैडम का भी जवाब नहीं। जी तो अब क्या? ठोकरें खाकर मुस्कुराना आ गया, आ गया मेरा जमाना आ गया। ए जमी पांव के तले से निकल, आसमां सर पे उठाना आ गया। हेलो। ओह नो, मैं अभी आया। क्या हुआ? कर्नल साहब को आतंकवादी ले गए। तुम टेंट में जाओ, मैं चला। बाबू, रोशनी में जल्दी में हूँ। वलीशा के आदमी कर्नल साहब को उठा के ले गए हैं। ये तो मैं जानता हूँ, तुम्हें किसने बताया? उनका एक आदमी आता नशे में धमकी देने और आज उगल कर चला गया। कर्नल साहब इस वक्त कहाँ है वलीशा का वो ठिकाना मैं जानती हूँ। तो चलो उस तरफ। अरे इधर हमको एक मच्छर मारने को नहीं मिल रहा है, उधर नीचे वलीशा कर्नल का खाल खींच रहा है। हाँ। सुनो रोशनी, तुम मिलिट्री हेडक्वार्टर जाके सबको खबर कर दो, तब तक मैं देखता हूँ। मैं जीप में गई और आई। बता कहाँ है मेरा भाई, बता। वो वही है जहां उसे होना चाहिए। ओए बशीरा। बोल वलीशा। जरा इसे बिजली का करंट तो लगाना। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय अपने आदमियों से कहो कि अपने हथियार फेंक दें। फेंक दो बंदूकें। हथियार? हथियार तो तुम फेंकोगे फौजी। शाबाश गुलरोश। फौजी तुम वो सांप हो जिसने भाई बनकर एक बहन को डस लिया। ये झूठ है। तुमने मेरी बहन का कत्ल किया है विजय। गुलरोश, मुझे तुम्हारी दोस्ती की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं। दोस्ती का नाम अपनी जबान पर विजय ना ले। अगर तेरी दोस्ती का दस्तूर यही है कि कुछ रुपए देकर मेरी बहन को मरवा दे तो अब मेरी दुश्मनी का दस्तूर दे। जो तोहमत तुमने मुझ पर लगाई है वो झूठी है। सच तो यह है कि कर्नल साहब को तुम उठा के लाए हो, जिसकी सजा अब तुम्हें मैं दूंगा। रुक जाओ ओए। इन दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। भागो यहां से, भागो। सब पीछे के रास्ते से भागो, जल्दी होए। वेल डन माय हीरो, वेल डन। थैंक यू सर। फौजी विजय। विजय। बाबू, बाबू, बाबू।
कौन माई हीरो? नहीं, क्या हुआ बाबू को? रोशनी, घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी चलो। कुछ समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे? तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर उधमपुर से आ नहीं सकता और हम लोग मिलिट्री हॉस्पिटल जा नहीं सकते। रास्ते में लैंडस्लाइड है, पूरे रास्ते बंद है। और इधर विजय के जिस्म से खून बेतहाशा बह रहा है और पल्स रेट भी कम होता जा रहा है। करे तो क्या करे? आप चिंता मत कीजिए। मतलब? ऑपरेशन करके गोली मैं निकालूंगी। अरे मैडम, माफी भी कोई मांगने की चीज है? मांगना ही है तो कुछ अपनी इस मांग के लिए मांगिए। अगर सिंदूर नहीं तो ये विजय इसे अपने खून से भर देगा। ठीक है? हाँ रोशनी, गोली निकल गई है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। शुक्र है भगवान का। रोशनी, रोशनी सिस्टर, ओह माय गॉड, रोशनी ये क्या किया तुमने? बाबू मेरे भगवान है। मतलब? अगर बाबू मुझे आतंकवादियों से नहीं बचाते ना, तो आतंकवादी मुझे इस देश से दूसरे देश ले जाते। बाबू ने तुम्हें बचाया और तुमने बाबू की जान बचाई, ये तुम्हारा एहसान है मुझ पर। जी, एक डॉक्टर पर। आप बहुत अच्छी हैं डॉक्टर जी, लेकिन तुमसे अच्छी नहीं। बाबू की जान बचाने में तुम मुझसे बड़ी डॉक्टर हो। रोशनी, मैं किन किन चीजों के लिए तुझे इनाम दूं? इनाम? इनाम में क्या दोगे?
जान भी मांगेगी तो दे दूंगा। हरि ओम बाबू, मैं जान तो नहीं मांगूंगी मगर कुछ मांगूंगी जरूर। दोगे? जरूर। तो दो वचन? दिया वचन। कसम से? कसम से। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अरे वाह, आज तो मुंह पे काफी रौनक है। उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। जनाब, असलियत ये है कि आज आप बिल्कुल ठीक हैं। तो ये लीजिए आपका इनाम। ये क्या है? ये है मोबाइल फोन। यहाँ पे हम 24 घंटे तो एक साथ रह नहीं सकते, मगर जब मन करे फोन पे तो बात कर सकते हैं। गुड आइडिया, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू बोलने का मौका हमें भी दीजिए। वो कैसे? अंग अंग में उमंग हो, तेरा मेरा संग हो, तो प्यास की खत्म हो कहानी। ओ मिस्टर सिंधिया, मैं सच कह रही हूँ, कर्नल साहब ने मुझे बताया कि विजय ने फौज में वो काम किए हैं कि खानदान पे लगे हुए गद्दारी के सारे दाग धुल गए हैं। अरे आफ्टर ऑल विजय इज माय स्टूडेंट। सिंधिया जी, अब देखना शीतल के दादा शीतल की शादी कितनी शान से विजय के साथ करते हैं। अरे विजय और शीतल की शादी दादा क्या, दादा का दादा भी करेगा। हेलो। हेलो। पता है कल बसंत पंचमी है, रोशनी ने मुझे कमाल के कपड़े दिए हैं। वेरी गुड। वेरी गुड क्या, मुझे इन कपड़ों में देखोगे तो छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी कपड़ों में देखा ही नहीं। क्या? मेरा मतलब है कि मैं तो हमेशा ही तुम्हारी आंखों में डूबा रहता हूँ। तो कल आंखों से बाहर निकलकर मुझे इन कपड़ों में देखना। तो फिर जल्दी से आ जाओ, जरा पुछपुछ हो जाए। तुम्हें पुछपुछ के अलावा कुछ सूझता भी है? मालूम है मेरी सारी लिपस्टिक ही खत्म हो गई है। अरे लिपस्टिक ही खत्म हुई है ना, लिप्स तो है, निशान तो छुपाने पड़ते हैं। अच्छा छोड़ो, नए कपड़े पहनकर आओ तो देखूंगा। मैं नए कपड़े पहनकर रोशनी के साथ कल सुबह मंदिर जाऊंगी। जय श्री राम। ये लो दीदी। ये क्या है? सिंदूर। सिंदूर? कल मांग भरवानी है ना। मैं तो भूल ही गई थी। बाबू सिंदूर कहाँ से लाएंगे इसलिए। कन्हैया। हाँ। कल हम बाबू और पापा दोनों को प्राइज देंगे। प्राइज नहीं, सरप्राइज। हाँ हाँ सरप्राइज। बेटे सरप्राइज सरप्राइज क्या बातें हो रही है। पापा कल बसंत पंचमी है ना, हम दोनों सोच रहे थे कैसे मनाएं। हाँ। हे प्रभु, बसंत को नजर मत लगाना। पापा आप यूं ही चिंता करते हो, कल देखना धरती और आकाश मेरी ताल से ताल मिलाएंगे। मैं क्या हूँ मैं खामखा, तू क्या है तू खामखा, इश्क बड़े है काम का, हो इश्क बड़े है काम का, बाकी सब कुछ खामखा, इश्क बड़े है काम का, मैं क्या हूँ मैं तू क्या है तू। खाम खा
तो दिल से करता है पर दुनिया से वो डरता है। दुनिया से वो डरता है। कोई इश्क तो दिल से करता है पर दुनिया से वो डरता है। कोई इश्क में मरकर जीता है, कोई जीते जी यूं ही मरता है। इश्क में जो मर न सके उसका जीना हम खा। इश्क बड़े बाकी सब कुछ हम खा। इश्क बड़े हैं काम का, मैं क्या हूँ मैं, तू क्या है तू, मैं क्या हूँ मैं खाम खा, तू क्या है तू खाम खा। इश्क बड़े हैं काम का, बाकी सब कुछ हम खा। किसी को बनाओ यारो, गीत मिलन के गाओ यारो, गीत मिलन के गाओ यारो। नीत किसी को बनाओ यारो, गीत मिलन के गाओ यारो। जब तक सांस आए जाए प्रेम की धुन बजाओ यारो। इस धुन को जो गा न सके उसका गाना हम खा। बाकी सब कुछ काम खा। इश्क बड़े हैं काम का, मैं क्या हूँ मैं, तू क्या है तू, मैं क्या हूँ मैं खाम खा, तू क्या है तू खाम खा। इश्क बड़े हैं काम का, बाकी सब कुछ खाम खा। कर्नल साहब, रोशनी नहीं जानती, विजय और शीतल पुराने प्रेमी हैं। रोशनी को रोके प्लीज। आई सी। रोशनी, ये खून कैसा? बस यूं ही। हाथ में सिंदूर की डिबिया थी, चुभ गई, खून निकल आया। सिंदूर की डिबिया?
देखो बाबू, मेरे खून ने सिंदूर गंदा नहीं किया। लेकिन पगली, ये सिंदूर है किस लिए? जानते हो, सिंदूर मांग में भरने के लिए होता है। हाँ। तो लो, भर दो मांग। क्या मतलब? सोच क्या रहे हो बाबू, भर दो ना। रोशनी, देखो बाबू, तुमने कसम खाकर वचन दिया था, जब जब जो भी मांगूंगी दोगे। अब वक्त आ गया है वादा निभाने का। लो चुटकी भर सिंदूर और भर दो मांग। रोशनी, बस बाबू। दीदी देखो तो, बाबू कैसे खामोश खड़े हैं। रोशनी, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि लो चुटकी भर सिंदूर और भर दो शीतल दीदी की मांग। अरे वाह रोशनी, शाबाश बेटी, शाबाश, जीती रहो। जिस रोशनी ने किसी की जिंदगी में अंधेरा नहीं किया, वो इनकी जिंदगी में अंधेरा कैसे करेगी बाबा? वाह प्रभु वाह, पल ही पल में तूने मेरी रोशनी को इतना ज्यादा बना दिया। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बस बाबू, अब इस सयानी की बात मानो और भर दो शीतल दीदी की मांग। लेकिन रोशनी तुम। बाबू, तुम्हें मेरी न सही, शीतल दीदी की कसम। अच्छा बाबा, तुम जीती और हम हारे, और हारे भी तो ऐसे हारे कि हार के भी जीत गए। रुक जाओ। शीतल, मांग में सिंदूर भरने के साथ साथ अग्नि के फेरे भी लेने पड़ते हैं। दादाजी। हाँ, हवन कुंड तो मैं बन नहीं सकता, लेकिन यहां कोई ना कोई मेरी लाश को आग के हवाले कर देगा। लपटें उठेंगी, फिर विजय के साथ मेरी चिता के फेरे ले लेना। दादाजी, तुम्हारा दादा विजय से तुम्हारा रिश्ता तोड़ चुका है। मगर दादाजी, हालात बदल गए हैं। हाँ, हालात बदल गए हैं, और बदले भी तो ऐसे बदले कि आज तुम्हारी मां अस्पताल में आखिरी सांस ले रही है। क्या हुआ मां को? किस औरत के सुहाग को भरी जवानी में ही धोखे से मार दिया गया हो। अगर वो बीमार ना भी हो, फिर भी वो बीमार होती है, बहुत बीमार होती है। दादाजी प्लीज बताइए ना, माँ को क्या हुआ? किस जबान से अपनी माँ का नाम ले रही हो? उस जबान से, जिस जबान से तुमने माँ को ये वचन दिया था कि विजय के साथ अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और सुनो, तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है, मेरे विश्वास को। मुझे जाना होगा। शीतल दीदी, चेहरे पर सिंदूर कितना अच्छा लग रहा है। अगर यही सिंदूर मांग में होता तो क्या बात थी। तुम्हें नहीं मालूम रोशनी कि मेरी मजबूरियों के पाताल की कोई सीमा नहीं, और उस पाताल में तुम बाबू को डुबो देना चाहती हो। मैं हार गई रोशनी, मेरी हिम्मत हार गई, मेरी मोहब्बत हार गई। मैं जा रही हूं। जाना चाहती हो तो बाबू से पूछो। विजय, तुम्हारी मां बीमार है और जाना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन तुम क्या करोगे? मैं भर सकता हूं तेरी याद में हसरत भरी आहें, मगर आहों की गर्मी से क्या पत्थर पिघलते हैं? मेरा रोता हुआ दिल साक्षी है विजय, मैं पत्थर नहीं, मैं पत्थर नहीं। पत्थर तुम नहीं हो शीतल, पत्थरों के शहर के मालिक तुम्हारे पत्थर दिल दादा हैं। विजय, वो पत्थर
जो कभी नहीं पिघलते। तुम्हें जाना है शीतल, तुम्हें जाना है, जाओ शीतल। रुक जाओ, यह जम्मू एयरपोर्ट का रास्ता नहीं है, तुम तो हमें श्रीनगर की तरफ ले जा रहे हो। व्हाट इज दिस मैथमेटिक्स? चुपचाप बैठे रहो, कोई भी अपनी जगह से नहीं मिलेगा, तुम लोग बचोगे नहीं। ये जान लो कि मैं मिनिस्टर सज्जन लाल का बेटा हूं, इसीलिए तो तुम्हें कैदी बनाया जा रहा है। गाड़ी रोको। ए बुड्ढे! दादाजी! चिल्लाओ मत, वरना सब मरे जाओगे। तुम आतंकवादी इसके अलावा कर भी क्या सकते हो? हमें जो करना है हम जानते हैं, समझे? खुशामदीद, खुशामदीद। वाह गुलरोश वाह, तूने तो कमाल कर दिया बाया। अब जाके हुकूमत का गर्दन हमारे पांव के नीचे आया है। अब मिनिस्टर का बेटा हमारा कैद से तभी छूटेगा जब हमारा भाई हुकूमत का कैद से आजाद होएगा। अच्छा भाई चलता हूं। वो कहां हुए? वलीशा, आज मेहंदी की रस्म है और कल मेरी शादी है। मालूम है बाया, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुलखान, सबसे पहले तो इन कैदियों को बारामूला के अड्डे पर पहुंचा दो, क्योंकि इस अड्डे से गुलरोश वाकिफ है लेकिन बारामूला के अड्डे से नहीं। मलिशा, ये क्या, ये साला गुलरोश मेरी मेरी गुलनार से शादी करेगा और मैं सिर्फ उसका मुंह देखते रह जाऊंगा? नहीं रे, हमने सब बंदोबस्त कर दिया, सबर। गुलनार गुलरोश के लिए नहीं, तेरे लिए दुल्हन बनी बैठी है। बेटी गुलनार, ये देख तेरा गरीब मामा तेरे लिए क्या लाया है। इस दिन के लिए तेरे मामा ने बहुत मन्नतें मांगी थी। क्या बात है मामा जी? मुझे तेरे गरीब मामा की ये सस्ती सी चांदी की चूड़ियां, तेरे हीरे मोती सच्ची भाव में धाक सी लगेंगी। नहीं मामा जी, इन हीरे मोतियों में अपा की दौलत है और इनमें संस्कारों की गंगा। गंगा? ये क्या मामा जी? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। गंगा का नाम सुना तो ऐसा लगा सारे दुख दूर हो गए। अरे मैं तो भूल ही गया, अरे वो तेरे गुलरोश के यहां भी तो जाके उसे राम राम कह आऊं। अच्छा बेटी मैं चलता हूं। अरे ओ दीदी, अब रोना दोना छोड़ो ना। अच्छा चल, आज रक्षाबंधन का दिन है ना, आ मैं तुझे राखी बांधू। मैं जानता था दीदी तुम राखी का त्योहार कभी नहीं भूल सकती। मैं कैसे भूल सकती हूँ? गुलनार दीदी, रोशनी दीदी ने राखी भेजी है, कह रही थी कि गुलनार दीदी से बंधवा लेना। ला पहले रोशनी की राखी बांध देती हूँ। नहीं दीदी, तुम बड़ी हो, पहले तुम अपनी राखी बांधो। अच्छा चल, तुझे बांध देती हूँ। अल्लाह मेरे कन्हैया को बहुत लंबी उम्र दे। जुग जुग जियो। इस राखी की सौगंध मैं तुम्हारी पल पल रक्षा करूंगा। हट, छोड़ बड़ी बड़ी बातें, चल लड्डू खा ले। छोड़ दो मुझे। अब्बा, बेटी। अम्मी। अम्मी। अब्बा। छोड़ दो मुझे। दीदी। कन्हैया।
इंसान? तुम्हारी नतकी उतराई यही होगी। भाईजान, आप जानते हैं मेरा आपसे क्या रिश्ता है? मेरे अब्बा आपके क्या लगते हैं? गुलखान दूर के रिश्तों को नहीं, दिल के रिश्तों को मानता है। खुदा से डर गुलखान। गुलखान किसी से नहीं डरता। अब मेरे होठ होंगे और तेरे रुखसार। गले में लॉकेट अल्लाह का, काम शैतान का। अल्लाह का लॉकेट उतार लिया तो कौन सी आफत आ जाएगी? दीदी, कन्हैया। कन्हैया? क्यों, मर गई ना मैया? ओए, एक पसली के ढांचे। कन्हैया, दीदी मैं ठीक हूँ। दीदी मैं ठीक हूँ। दीदी आज रक्षाबंधन है ना, इस दिन भाई बहन की रक्षा करता है। कन्हैया, दीदी रक्षाबंधन का त्योहार जिंदाबाद। कन्हैया हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं कन्हैया, हर हर महादेव। खान, गुलरोश आ रहा है। गुलरोश? गुलार, गुलार। गुलार? देखो कन्हैया को, जो अपनी बहन की इज्जत बचाते बचाते शहीद हो गया। गुलरोश, अगर तुमने अपनी बहन के मौत के बदले के लिए बंदूक उठाई है तो मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं अपने भाई के कातिल को दम तोड़ता हुआ न देख लूं। तो कह देना गुलनार लानत है तुम पे, कह देना गुलनार तुम्हारी रगों में मुसलमान माँ बाप का खून नहीं दौड़ रहा, कह देना तू हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, कह देना गुलनार लानत है तुम पे। ला ये हथियार मुझे दे दो, दे दो मुझे ये हथियार। खुदा के वास्ते अपने आप को काबू में रखो, काबू में रखो। हौसला रखो गुलनार, हौसला रखो। गुलरोश, अगर तुम्हारी एक गुलनार अपने आप को काबू में रख भी ले,
तरह एक इंसान के नाते सोचो, एक सच्चे मुसलमान के नाते सोचो कि अगर इसकी मुंह बोली बहन गुलनार के ऊपर ये बीत रही है तो इसकी मां जाए इसकी सगी बहन रोशनी के ऊपर क्या बीतेगी। जरा सोचो गुलरोश, मामा रोशन लाल के ऊपर क्या बीतेगी। अरे अरे भाई रोशन लाल पे क्या बीतेगी। अरे मोहम्मद अली, जिसका बेटा दुल्हा बना हो उसका बाप तो खुशी से पागल हो जाता है। देख बेटी देख, तेरा भाई कैसा लग रहा है, जल्दी से इसके मुंह पर काजल का टीका लगा दे, कहीं इसे नजर न लग जाए। पापा मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, याद है हम दोनों ने कसम खाई थी कि जब तक जम्मू और कश्मीर की खुशियां वापस नहीं लौट आती हम कभी शहनाई नहीं बुझाएंगे। देख देख मेरा बेटा घोड़े पर सवार होकर दुल्हा बनकर तमाम खुशियां वापस ले आया। चल चल मोहम्मद अली, आज हम दोनों मिलकर शहनाई बजाएंगे, ऐसे बजाएंगे कि जमीन तो जमीन आसमान भी पागल हो जाए। बजा शहनाई। पंडित पंडित कर दी ना अपने यार संगतारी, यही बजाए ना शहनाई। कोई बात नहीं मोहम्मद अली, कोई बात नहीं, आज से पंडित अकेला शहनाई बजाएगा, ऐसी शहनाई बजाएगा कि सबको पागल कर देगा, वो सबको पागल कर देगा। रोशनलाल, रोशनलाल, पंडित, रोशनलाल, पापा, रोशनलाल, रोशनलाल, रोशन, रोशनलाल, या खुदा ये तूने क्या किया? मेरे भाई की शादी है, बारात में मुझे छोड़कर अकेले बाराती बन गए। हाँ रोशनी, बाबू पापा को समझाओ ना कि रोशनी को भी बाराती बना ले। मैं खूब गाऊंगी, खूब नाचूंगी, खूब रौनक मनाऊंगी। रोशनी पापा, पापा मुझे भी, मुझे भी बाराती बना लो। रोशनी पापा, रोशनी पापा, you
मियां? हाँ मैं, मुझसे सच सुनना है तो सुन। कैसा सच? तुम्हारी बहन को किसी और ने नहीं वलीशाह ने मारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ये गुल खान और वलीशाह की साजिश थी कि अपने हिंदुस्तानी फौज की वर्दी पहनकर तुम्हारी बहन को मारा जाए ताकि तुम बागी होकर विजय को मारो। ये झूठ है, झूठ बोल रहे हो तुम। ये सच है। सच है? ओ मेरे अल्लाह, कहीं मेरे हाथों से गोली चल गई होती तो विजय का क्या होता? सर, मेरा जो होना है वो होकर रहेगा। जिस दिन घर छोड़ के फौज से नाता जोड़ा था, मौत को तभी अपना साथी बना लिया था। तुम समझते क्यों नहीं विजय? वलीशाह मंत्री साहब को धमकी दे चुका है, 5-5 जिंदगियों का सवाल है। कर्नल, सवाल 5 जिंदगियों का नहीं, सवाल मेरे बेटे की जिंदगी का है। अली शाह को उसके भाई वलीशाह के हवाले कर दो ताकि मेरा बेटा विक्की मुझे वापस मिल जाए। वाह, फौज की आन चली जाए मगर मंत्री के बेटे की जान न जाए। विजय, सर हम फौजी अपनी जान पर खेलकर देश के दुश्मनों को पकड़ते हैं ताकि उन्हें सजा मिल सके। सर, वो भी तो किसी का बेटा होता है जो आतंकवादियों के गोलियों का निशाना बनता है। जो फौजी इस राह पर शहीद होता है वो भी तो किसी का बेटा होता है। सर, आप इस सौदेबाजी को रोकिए, मैं सबको बचा कर लाऊंगा। विजय, सर क्या ऐसा आज तक हुआ है कि मैं आपकी कसौटी पे खरा ना उतरा हूं? हेलो, पहचाना मुझे? मैं वलीशाह बोल रहा हूं। वलीशाह? हाँ। वो क्या है कि वलीशाह? हेलो वलीशाह, मैं मंत्री सज्जनलाल बोल रहा हूं। तुम मेरे बेटे विक्रम को छोड़ दो। मिनिस्टर सज्जनलाल, छोड़ दूंगा लेकिन पहले मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। मेरा भाई? तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा। मेरा बेटा ठीक तो है ना? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? ले बात कर, बात कर। ले। हेलो पापा। बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना? बेटा पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए। पापा पापा, ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं। पापा मुझे इन जंगलियों से बचा लीजिए प्लीज। जंगली? नहीं नहीं प्लीज, मेरे बेटे को मत मारो। मिनिस्टर सज्जनलाल, तुम जैसा कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। मेरे बेटे को मत मारो। मुझे मेरा भाई कल शाम सूरज डूबने से पहले तक वापस चाहिए मिनिस्टर। और हाँ, मुझे मेरी मोमबत्ती, मेरी रोशनी भी चाहिए। रोशनी? ये रोशनी कौन है? एक अनाथ लड़की। अनाथ है ना? हाँ हाँ, तुम्हें रोशनी भी मिल जाएगी और तुम्हारा भाई भी मिल जाएगा। कल शाम सूरज डूबने से पहले तक, समझा? वरना सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, मेरा मतलब है नमस्ते। वाह मंत्री वाह, एक ने सलाम अलैकुम किया और एक ने नमस्ते। सौदा हो गया, देश बट गया। अगर कानून में यह लिखा होता कि हर हिंदुस्तानी जय हिंद बोलेगा तो नौबत ही ना आती। और मंत्री, तू सौदागर ही नहीं, तू तो दलाल भी है। एक हाथ से देश का सौदा किया और दूसरे हाथ से अनाथ रोशनी की दलाली की। तू दलाल है दलाल। तूने मुझे गाली दी, एक मंत्री को गाली दी। यू सराफे बिच्च, तू सर जा। मंत्री विजय, तू ये भूल रहा है, फौजी अपनी माँ से पहले भारत माँ का बेटा होता है। तूने भारत माँ को गाली दी है, भारत माँ को गाली दी है। विजय रुको, तेरे जैसे भारत माँ के दलालों ने देशभक्ति को जलालत के नीलाम घर में खड़ा कर दिया है नीलामी के लिए। कर्नल, इसको गिरफ्तार कर लो, ये एक मंत्री को मार रहा है। जो भी भारत माँ को गाली देगा मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे वो ये मंत्री हो या कोई और हो। सोल्जर्स, सोल्जर्स, अरेस्ट हिम, बंद कर दो इसे क्वार्टर गार्ड में, इसका कोर्ट मार्शल होगा। पिताजी अब क्या होगा? बहू, अब कर्नल मोहनदास के एक्शन करने का वक्त आ गया है। विजय साहब के साथ तो बहुत बुरा हुआ यार। ये बात सुनकर हम खुश हुए, तुम भी मानते हो ना? मानता तो हूँ लेकिन आपकी तारीफ। मैं विजय का दादा हूँ। ओह दादाजी, मेरे पोते से सारे लोग जलते हैं, उन्हें डर लगता है कि ये कहीं मेजर बन जाएगा। बनेगा ना? जरूर बनेंगे सर। अरे तूने मेरे जवान बुढ़ापे को और भी जवान कर दिया है, मेजर के बाद वो कहते हैं कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा। बनेगा ना? बिल्कुल बनेंगे सर। हाय, मेरे जवान बुढ़ापे को तुमने और भी जवान कर दिया है, खुश की ताई। उसके बाद वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बन जाएगा, कर्नल से ब्रिगेडियर बन जाएगा, ब्रिगेडियर के बाद फिर बड़ा ऑफिसर बनेगा, उससे बड़ा ऑफिसर बनेगा, उससे बड़ा ऑफिसर बनेगा, और फिर उसके बाद चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बन जाएगा।
बनेगा ना? बिल्कुल बनेंगे सर। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चीफ ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेस के लिए पता है मैं क्या करता? मुझे तो पता नहीं सर, आप बताइए ना क्या करते। मैं नमूने के तौर पर तुम्हें बताता हूँ, उदाहरण के तौर। जी, तुम मुझे अपनी चाबियां दो। चाबियां? ये लीजिए सर। हाँ, तो मैं तुमसे ये चाबियां लेता इस तरह, उसके बाद मैं फटाफट जाकर ताला खोलता इस तरह, उसके बाद दरवाजा खोलता इस तरह। दादाजी, एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। कैसा रहा नमूना? वाह, क्या नमूना है सर। अब इसके बाद पता है मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे सर? मैं इसे एक पिस्तौल दूंगा। पिस्तौल देंगे? और कहूंगा, भाग पोते भाग। इसे भाग। खबरदार, जरा भी हरकत की तो भून के रख दूंगा। जरूर गड़बड़ है, आइए। विजय, तुम्हें पता है कि मेरे एक ही ऑर्डर से क्या हो सकता है? गोलियों की बरसात हो सकती है, मैं छलनी छलनी हो सकता हूं। लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि अलीशा मेरे कब्जे में है। अगर गोलियां चली तो सबसे पहले मैं अलीशा को मारूंगा। अगर ये मरा तो इसका भाई वलीशा मंत्री जी के बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं कर्नल, अपने फौजियों से कहो कि हथियार डाल दे, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। सर, ये मेरा दावा है और वादा भी, मैं सबको छुड़ा कर लाऊंगा और अली शाह को उनके हवाले भी नहीं करूंगा। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं अपने आप को खुद आपके हवाले करूंगा, फिर चाहे फांसी भी लगवा दें कोई गम नहीं होगा। नहीं बोते, फांसी तो कपूतों को लगती है, धरती मां के सपूतों को तो विजय की जयमालाएं पहनाई जाती हैं। चल जल्दी, चलो चलो बैठो, चलो गुलरोश, चलो चलो। हे भगवान, इनकी रक्षा करना भगवान। दादाजी, ये हमारे हर मुश्किल ताले की चाबी है। मत भूलो पोते, इसका पहरेदार मैं हूं। चलो गुलरोश। कहां विजय, कहां? हर ठिकाने तो ढूंढ मारा है, वलीशाह ने पता नहीं उन्हें कहां छुपा रखा है। कमबख्त मोबाइल फोन पे भी शीतल से कांटेक्ट नहीं हो रहा। खैर, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, चाहे पाताल की गहराई में क्यों ना हो, हम शीतल को ढूंढ निकालेंगे। चलो। ये मोबाइल फोन खराब है, विजय से कांटेक्ट नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अरे खुल गया, खुल गया, ताला खुल गया, हेयर पिन से ताला खुल गया। दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं जो बिंदिया की हेयर पिन से ना खुले। आप लोग यहीं रुके, मैं बाहर जाकर रास्ता ढूंढ कर आती हूँ। बेटी तुम? दादाजी, मैं इन बेवकूफों की बेवकूफी से फायदा उठाना अच्छी तरह जानती हूँ। छोड़ दो मुझे। हाथ में आया हुआ हूर को कौन छोड़ेगा हुजूर? वल्लाह, कितना खूबसूरत तराशा हुआ बदन है ये, चश्मे बतूर। हमारी फौज तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा फौज? हमारा ये बंगला गुलफाम बारामूला से आगे पाकिस्तान बॉर्डर पर है, एक कदम भी आगे ले जाएगा तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, और फिर यहां पर आएगा भी कौन? यहां चारों तरफ बारूद और माइंस बिछा हुआ है, जो भी आने की कोशिश करेगा उड़ जाएगा। समझ गया गुलबदन? अलीशा, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। आज से पहले हमने तुमको कभी नजर भर के देखा ही नहीं था, हमको इस धोखे में था कि रोशनी से ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। चलो, गुलबदन। तुम चाहते क्या हो वलीशाह? हम तुमको चाहता है,
तुमको अपना मलिका बनाना चाहता है, अपना शरीक हयात, वो भी आज। हाँ इधर आओ, ये देखो ये सुनहरा पोशाक देखता है, हाँ ये ताज देखता है, ये सब हमारा मलिका के लिए, ये उस कमबख्त रोशनी का तकदीर में नहीं था, अब ये सब तुम पे लेगा तुम। फलीशा सुनो, अगर 10 मिनट का अंदर ये पोशाक पहनकर तुम नीचे नहीं आया तो खुदा का कसम हम तुम सबको खत्म कर देगा, समझे? ठीक है, मुझे तैयार होने का वक्त हो। लेकिन सिर्फ 10 मिनट। लाहौल जिला कोर्ट, पेट्रोल को भी यही खत्म होना था, अब क्या करें? हेलो हेलो विजय। हेलो शीतल, हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ, कहाँ हो तुम लोग? विजय विजय, हम यहाँ वलीशा के कैद में हैं। मगर कहाँ? हम इस वक्त बारामूला के आगे पाकिस्तान बॉर्डर के पास गुलफाम बंगले में हैं। बारामूला से आगे पाकिस्तान बॉर्डर गुलफाम बंगला? मैं जानता हूँ। ठीक है विजय, ध्यान से, बंगले के चारों तरफ बारूद बिछा हुआ है और माइंस खुदी हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, हमारे वहाँ पहुँचते तक तुम उनका जितना वक्त बर्बाद कर सकती हो करो। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। बस शीतल, हम लोग बारामूला पहुँचे के पहुँचे। ओके बाय। ये बारामूला मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? तुम ये जगह जानते हो? हाँ। वलीशा समझता कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जगह जानता हूँ। वहां पहुंचने के दो तरीके हैं, एक पहाड़ी के ऊपर से और एक पहाड़ी के पीछे से। ठीक है, एक रास्ते से तुम जाओ और दूसरे से मैं। ठीक बात है। लगता है झंडे को इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है। सुभान अल्लाह, अब उधर से हमारा भाई आएगा और इधर से मौलवी साहब हमारा निकाह पढ़ाने। नहीं, ये नहीं हो सकता। शीतल दीदी बाबू की अमानत है। क्या? सारा झगड़ा मेरी वजह से है ना, लो मैं आ गई। हट रोशनी, जब से इस तराशे हुए बदन वाली शीतल को देखा है तब से हमने अपनी जिंदगी से तुम्हारा कनेक्शन काट दिया। अब तुम रोशनी नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक बुझा हुआ बल्ब, एक टिमटिमाती हुई मोमबत्ती। अरे क्या हुआ रे, रोशनी का बंदोबस्त करो। फिक्र मत करो रोशनी, विजय आता ही होगा। सच? हाँ। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, मैं रोशनी को सिर्फ ये कह रही थी कि जो होना था वो हो चुका, अब जो होना है वो होके रहेगा। वाह क्या बात कही है, रोशनी भी आ गई। ओए जरा इस मोमबत्ती के लिए पांव के जेवर तो लाना। इस पर खड़ी हो जा, पांव में ये नोकीला लोहा चुभेगा तो खून बहेगा, और जब खून बहेगा तो बहुत तकलीफ होगी। लो ये मोमबत्ती लो, और इसको बुझने मत देना, अगर ये बुझ गई तो सबको खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे उस फौजी विजय को भी। इस पर खड़ी हो जाओ, ये जुल्म है। वलीशा की हुकूमत में सब जायज है। वलीशा, तुम्हें अपने दादाजी की फिक्र है कि नहीं? नहीं नहीं वलीशा, इस पर मैं खड़ी रहूंगी, और ये मोमबत्ती मैं बुझने नहीं दूंगी। जश्न का दिन है, शादी से पहले तुम्हें नाचते गाते देखना चाहते हैं हम, हमारा कहना मानती जाओ, शादी में तुम्हारे दादा को भी शामिल किया जाएगा। और हाँ, नाचते गाते वक्त तुम्हारे सर पर इस ताज का बोझ ना हो तो बेहतर होगा, हुक्म की तामील हो।
आ गया। हेलो 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 विजय। हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ शीतल। विजय तुम यहाँ पहुँच चुकी हो, ये इन लोगों को पता चल चुका है। धोखा। हेलो हेलो शीतल, वलीशा के साथ धोखा, जहरीली नागिन। अब तू जहरीली गैस से तड़प तड़प कर मरेगी, जहरीली गैस से। चल। Oh my God. मरोगी, यही मरोगी। हनीफ, गैस शुरू करो। जी। Thank you.
हमारा भाई अली शाह को फौजी विजय भगा कर ले गया, लेकिन उसने ऐसा करके तुम सब की जिंदगी पर मौत की मोहर लगा दी है। मैं तुम लोगों को ऐसी मौत मारूंगा जो पूरे हिंदुस्तान के लिए सबक होगी। शीतल कहां है? शीतल वो बेचारी तो एक एक सांस के लिए तड़प रही है, एक एक सांस के लिए। हाँ एक घंटे के अंदर वो दम तोड़ देगी। वलीशा, उससे पहले तू मर जाएगा। मर गए मुझे मारने वाले। तुझे मारने वाला भी जिंदा है। हथियार फेंको सब, हथियार फेंको, हथियार फेंक दो। अपने आदमियों से कहो इन्हें खोल दें। खोल दो, सबको खोल दो, खोल दो। लॉन्ग लिव इंडियन आर्मी एंड लॉन्ग लिव विजय। अब आई शरण, एक है बाबू और एक है तू मंत्री का बेटा। भाड़ में गया मैं और भाड़ में गया मंत्री। शीतल कहां है? मैंने पूछा शीतल कहां है? शाबाश रशीदा, शाबाश। ए रशीदा, भून डाल इसको। गुलरोश, बोल शीतल कहां है? मेरी बहन नूर के कातिल, बोल शीतल कहां है? बोल गुलरोश। कैसा फैसला? अरे बात का फैसला। तुम्हारी कोख में मेरा पाप पल रहा है। मेरी कोख में? I'm sorry, मेरी कोख में तुम्हारा पाप पल रहा है। क्या बात कर रही हो? मैं 9 महीने अमेरिका था और 4 महीने का बच्चा तुम्हारी पेट में, ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल झूठ बोल रही हो। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें भून कर रख देता। बंदूक लाओ। लो चाबी। क्या कर रहे हो? देखो अभी। रोशनी, 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 बाबू, अभी रोशनी मुझ चली है। नहीं रोशनी, जाओ बाबू, शीतल दीदी को ढूंढ कर बचा लो। जाओ बाबू, आपको यह जंग जीतनी है। रोशनी, रोशनी, जाओ बाबू, रोशनी। हाँ, मुझे यह जंग जीतनी है। ए फौजी, चलो हट। चम्मा हर रंग में चलती है सहर होने तक। चलो दर, ये ठोस ठोस पटाखे का तमाशा बहुत हो गया रे फकीरा। रॉकेट लॉन्चर लगा और उड़ा दे इन सबको, उड़ा दे सबको फकीरा। जय हिंद कर्नल ज्ञानचंद। जय हिंद मोहनदास। तुम? हाँ ज्ञानचंद, अपने पोते के नक्शे कदम पर हूं। बोल वलीशा, शीतल कहाँ है? ओ, तो ये है वलीशा। मैं जरा इसका कोर्ट मार्शल तो कर लूं। बोल शीतल कहाँ है? बोल शीतल कहाँ है? वलीशा, आ, 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 आ,
ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्या कैसे? जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम जैसे पापी बेटे की मौत बाप के हाथों ही होनी थी। आज मेरे सर से तुम्हारे पापों का कर्जा उतर गया। अरे वाह वाह वाह, तेरे हाथ में भी बंदूक है, मेरे हाथ में भी बंदूक है। फिर ये ले मेरी बंदूक और ये दे तेरी बंदूक। अब मेरे हाथ में भी बंदूक है, तेरे हाथ में भी बंदूक है। फर्क इतना है कि वो बंदूक खाली है और ये भरी हुई है। जाओ जाओ, तुम अपनी शीतल को बचा लो, मैंने देख लूंगा। जाओ। थैंक यू विकी, गुड लक। अरे मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मैं बताता हूँ शीतल कहाँ है। कहाँ है शीतल? चलो मेरे साथ। चल चल। शीतल 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 दादाजी, दादाजी आप लोग शीतल को संभालिए, मैं वलीशा को देखता हूँ। शीतल शीतल दादाजी, मोहनदास मेरी बेटी मिल गई। मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी कहो ज्ञानचंद। मैं हाथ नहीं मिलाता, गले मिलता हूँ। विजय ने कमाल कर दिया। पोता किसका है? वलीशा, यह वही झंडा है जिससे तूने मेरी बहन नूर को मारा था। आज मैं तुझे इसी से मारूंगा। ये लीजिए आपका कैदी अलीशा। मैंने आपसे वादा किया था ना सर, सबको छुड़ा कर लाऊंगा और आपका कैदी भी आपको वापस करूंगा। अब चाहे आप मेरा कोर्ट मार्शल कर लीजिए। थैंक यू विजय, थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। विजय, मुझे तुम पर फक्र है। और मुझे फक्र है इन सब पर। मुझे फक्र है अपने दादा पर, दादा द ग्रेट। यस, दादा द ग्रेट। दादा द ग्रेट नहीं, इंडिया द ग्रेट, इंडिया द ग्रेटेस्ट। इसीलिए सब मिलकर बोलो जय हिंद, जय हिंद।